मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है। मैं एयरपोर्ट पे काम करता हूँ। ऑल ऑफ अ सडन आई फेल डाउन एट एयरपोर्ट ऑन 12th September। मेरे को चक्कर आया और मैं नीचे गिर गया और आई वॉज अनकॉन्शियस टोटली। देन समबडी हैज टेक मी टू द मेदांता ट्रॉमा सेंटर। उसके बाद उन्होंने मेरे को देखा तो मेरे को हेड इंजरी थी, उसमें 5 टाँके आए थे। उन्होंने मेरे को स्टिचेज करके मेरे को डिस्चार्ज कर दिया, दवाई वाई डायग्नोज करके एंटीबायोटिक लिख के छोड़ दिया। उसके बाद देन आई कॉन्टैक्ट डॉक्टर अपूर्व शर्मा इन दिव्य प्रथ हॉस्पिटल। उन्होंने मेरे को देखा आराम से, 2 बार उन्होंने मेरे को बेड ब्लड थिनर की दवाई दी। उसके बाद दवाई लेता रहा, उसके बाद भी मेरे को जो एपिसोड हो रहे थे, मेरे को चक्कर आता था एकदम से, मैं अनकॉन्शियस हो जाता था एकदम से। मेरे को नॉट कॉन्शियसनेस जीरो रहती थी मेरी, और इट इज़ फॉर 2-3 मिनट्स। उसके बाद 2-3 मिनट बाद वो वाइफ मेरी छाती को मसलती थी, उसके बाद मैं नॉर्मल हो जाता था। ये एपिसोड कई बार हुआ है। तो दूसरी बार जब हुआ तो हम डॉक्टर पूर्व शर्मा को मिले दिव्य प्रभ हॉस्पिटल में। उनके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपको मणिपाल हॉस्पिटल आना है, अभी वहाँ पे सारा टेस्ट हो जाएंगे आपके, और जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की। तो उसके बाद मैं यहाँ आया 2 बारी। तो 3rd बारी में हमने ही बोला डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब मेरे को कम्फर्टेबल नहीं लग रहा है, तो मेरे को आप कृपा करके एडमिट कर लीजिए। तो मैं 9 तारीख को यहाँ आया, 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को। 2-3 दिन रहा, उस दिन में 1-2 बार एपिसोड हुआ, लेकिन 10th की रात को 1:30 बजे और सुबह 10:50 पे मेरे को वो एपिसोड दोबारा रिपीट हुआ। एंड मेरे को बहुत तरीके से तकलीफ़ हुई और मेरे पैर कांपने लगे दोनों, मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया। देन डॉक्टर साहब को बुलाया गया, डॉक्टर साहब वहाँ आए, मेरी सिस्टर थी वहाँ अटेंडेंट के रूप में, उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है और ये एपिसोड बार बार हो रहा है, अच्छा नहीं है, इट मे लीड्स टू हार्ट अटैक। तो उन्होंने कंसल्ट किया, उन्होंने बोला बताइए। हमने बोला डॉक्टर साहब बट यू आर द बेस्ट जस्ट टू डिसाइड। तो उन्होंने बोला ठीक है पेस मेकर लगा देते हैं। तो मेरे को उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट करा और मेरे को बहुत अच्छे से ऑपरेट करके मेरा पेस मेकर लगा के मुझे थोड़ी देर आई सी यू रखा, देन मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर साहब दीक्षित गर्ग हैं जिन्होंने मेरे को ये इम्प्लांट किया है, और न्यूरो के डॉक्टर डॉक्टर पूर्व नागेश शर्मा हैं। इन्होंने दोनों की टीम ने मिलकर मेरे को बहुत रिलैक्स दिया एंड आई एम वेरी मच हैप्पी उनके ट्रीटमेंट से। और सारा स्टाफ मणिपाल हॉस्पिटल का बहुत अच्छा है एंड दे आर वेरी कोऑपरेटिव एक्सप्लेसिव। इन्हें रविंदर जी जो साहब के कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर दीक्षित गर्ग के, ही इज़ आल्सो वेरी हेल्पफुल। सब ने बहुत अच्छे से मदद किया, स्टाफ से लेकर नर्स जो भी अटेंडेंट थे हॉस्पिटल में, एवरीबडी इज़ वेरी गुड विद मी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीक्षित गर्ग है और मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ, और मैं अभी इस वक्त मणिपाल हॉस्पिटल पलम विहार गुड़गांव में कार्य कर रहा हूँ। आज हम आपसे एक नई टेक्निक के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये जानकारी है पेसमेकर की नई टेक्निक, जिसे हम कंडक्शन सिस्टम पेसिंग कहते हैं। दोस्तों पहले ये समझ लेते हैं कि पेसमेकर होता क्या है और इसे हम कब लगाते हैं और इसका बेनिफिट क्या होता है। तो पेसमेकर एक बैटरी है जिसकी 1 या 2 तार हम हार्ट में फिट कर देते हैं, और ये इस बात की निगरानी करती है कि दिल की गति कितनी चल रही है। अगर एक सेट थ्रेशोल्ड यानी कि एक तय सीमा से नीचे चली जाती है हार्ट की अपनी गतिविधि, तो ये हार्ट को बैटरी के द्वारा एक इम्पल्स देकर उसे चलाती रहती है, एक सेट रेट पर चलाती रहती है। मान लीजिए किसी पेशेंट को दिल की गति 30-40 ऐसे चल रही है, तो पेसमेकर लगाने से वो जब भी ऐसा होगा कि दिल की गति आपकी 30-40 तक पहुंचेगी, तो पेसमेकर एक्टिवेट होगा। वो इस बात को देखेगा कि दिल की गति आपकी, मान लीजिए हमने सेट किया है उसे 50 के लेवल पे, तो 50 से कम होते ही वो हरकत में आ जाएगा और हार्ट को 50 की बीट पर चलाएगा, उससे कम उसे नहीं होने देगा। अब ये रिक्वायरमेंट, पेसमेकर की रिक्वायरमेंट किस तरह के लोगों को होती है? तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें कंडक्शन सिस्टम, भगवान ने जो ईश्वर ने हमें हार्ट को जो एक बैटरी प्रदान की है, वो उम्र के साथ साथ धीरे होने लगती है, क्षीण होने लगती है, उसकी क्षमता कम होने लगती है। ऐसे में दिल की गति जो 70-80 के करीब होनी चाहिए, वो घटकर 50-40-30-20 ऐसे रहने लगती है। ऐसे में पेशेंट को अक्सर थकावट होना, चक्कर महसूस होना और कभी कभी बेहोशी आने की गुंजाइश रहती है।
किसी किसी दुर्भाग्यपूर्ण किसी किसी व्यक्ति में ये जानलेवा भी हो सकता है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये रहता है कि हम एक पेसमेकर लगा के इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लें। पेसमेकर्स का एवोल्यूशन काफ़ी समय से चल रहा है। बात करें अगर इसकी शुरुआत की, तो शुरुआत में ये काफ़ी बड़ी डिवाइसेस होती थी, काफ़ी भारी होती थी, 3-4 किलो से ज़्यादा की डिवाइस होती थी, पर आज ये सिर्फ 300 ग्राम की डिवाइस रह गई है। इसको लगाना काफ़ी आसान हो गया है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, सारी उम्र पेशेंट का साथ देते हैं। अब जो ट्रेडिशनल पेसमेकर्स जो आज तक लगाए जाते रहे हैं, उसमें एक समस्या नोट की गई है समय के साथ साथ, वो ये है कि जो पेशेंट्स लगातार पेसमेकर पे डिपेंडेंट हैं, जिनमें पेसिंग की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट्स में कुछ समय के बाद हार्ट का फंक्शन कम हो सकता है, जिसे हम पेसमेकर इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है कि जो हम ईश्वर ने जो हमें कंडक्शन सिस्टम दिया है, हम उसको यूटिलाइज करने की बजाय जो लीड है, जो हमारी इलेक्ट्रोड है, वो हम सीधा हार्ट की मसल में इम्प्लांट करते हैं। उससे जो इम्पल्स का प्रोपेगेशन है, ट्रांसमिशन है, जो उसको ट्रेवल करना है एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, वो मसल टू मसल ट्रांसमिशन होता है। यही कारण बनता है आगे जाके हार्ट का फंक्शन कम होने का। अब इस नई पद्धति, इस नई एवोल्यूशन में जो चेंज आया है, वो ये आया कि हमने हार्ट का जो नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम होता है, जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, हम उसमें एक जगह ढूंढकर, चाहे वो हिज बंडल हो, चाहे वो लेफ्ट बंडल ब्रांच हो, वो पर्टिकुलर जगह ढूंढकर हम वहाँ अपने इलेक्ट्रोड को फिट कर देते हैं, जिससे जो नॉर्मल पाथवे है वो स्टिमुलेट होता है और इम्पल्स जो करंट की का प्रवाह है हार्ट में, वो सुचारू रूप से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसा ईश्वर ने बनाया है वैसे ही वो ट्रेवल करता है। इसकी वजह से जो आगे आने वाली समस्या है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। इसी तकनीक को आज हाल फिलहाल में हमने एक पेशेंट पर हमने उस उनके लिए इस चीज़ का, इस तकनीक का इस्तेमाल किया और उस पेशेंट को काफ़ी लाभ हुआ और उनका रिज़ल्ट आज बहुत अच्छा है। वो पूरी तरह से सिम्टम फ्री हैं, हीलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इन्फेक्शन की कोई बात नहीं है और उन आगे चलने पर ये उनको फ़ायदा पहुंचाएगी और हार्ट का फंक्शन कम होने का जो रिस्क रहता है वो पूरी तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस विषय में आगे और भी जानकारी, और भी जो नई हमारी एवोल्यूशन जो टेक्निक्स बढ़ रही हैं आगे, उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।